यस स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें आपको हमेशा डाउट होते हैं और आज इसमें जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं वो काफी डिफरेंट है कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट में आपको इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजीली बनते हैं कि 23 पावर मैंने बोला 47 या 2360 पावर 1974 या सपोज 337 पावर। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें भी कुछ यूनिट डिजिट के वो क्वेश्चन बताना चाहूंगा जैसे लाइक 23 पावर 67 पावर 29 सपोज 13 पावर 14 पावर 15 पावर 16 इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं या सपोज 23 पावर 27 पावर 63 इनटू 25 पावर 69 पावर 67 जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनके यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। इनका यूनिट डिजिट निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, एक बार उसका रिविजन करेंगे कोई और साथ में फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे और बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि जैसे ही सेशन खत्म होगा आप इन क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर पाएंगे, जबकि दिखने में काफी टिपिकल दिखते हैं पर बहुत ही लॉजिकल सिस्टमेटिक वे से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम ये समझें कि यूनिट डिजिट होता क्या, मीन्स कंसेप्ट क्या है यूनिट डिजिट का, पहले ये एक चीज समझें। अगर ये क्लियर होगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो यूनिट डिजिट मीन्स होता है लाइक जैसे सपोज ये नंबर लिखा है 231, दिस इज यूनिट डिजिट 10 डिजिट एंड 100 डिजिट। अब मान लीजिए मैं आपको एक बिल्कुल पहले बेसिक एक क्विक रिवीजन करें फिर पावर्स 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 वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सपोज मैं आपको बोलूं कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 26 इनटू 12, तो आपको टोटल मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड नहीं होता, आप जस्ट मल्टीप्लाई क्या करते हैं 2 इनटू 6 किया तो 2 आया, यूनिट डिजिट आपने बोल दिया 2। मान लीजिए मैंने आपसे बोला फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 23 इनटू 24 इनटू 26 इनटू 27, तो आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जस्ट क्या करना होता है कि आप यूनिट इनटू यूनिट करें, यानी 3 4 जा 12, 2 7 6 जा 42, 2 2 2 जा 4, यानी आपको आंसर क्या मिला 4। और अगर इसमें मान लीजिए मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस होता, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस होता तो आप यूनिट डिजिट को ऐड करते, यानी 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, यानी यूनिट डिजिट 0 आता। यानी यूनिट डिजिट का एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि आपको हर बार यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, राइट। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं इसका। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि सपोज मैंने लिखा 62 इंटू 63 इंटू 64 इंटू 66 इंटू, मैं 5 इसलिए ले रहा हूँ कि फिर 0 हो जाएगा, इंटू 67 इंटू 68 इंटू 69, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, इसके आगे कुछ भी नंबर लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमेशा याद रखिए कि यूनिट डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है बेस का। तो आप अगर इसको करेंगे तो 3 2 6, 6 4 24 4, 4 6 24 4, 4 7 28, 8 8 64 4, 4 9 36, यानी 6। यानी आप केवल यूनिट डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आप क्विकली यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल नंबर है, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस हो तो आप इन नंबर्स को ऐड करते हुए चलेंगे, राइट। अब सपोज अब एक और कंसेप्ट बताता हूँ बेस पावर का जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, एक क्विक रिविजन करते हैं इसके बाद फिर हम पावर बेस के क्वेश्चन पे जाएंगे। अब सपोज क्वेश्चन का टाइप ये हुआ बेस पावर, अगर क्वेश्चन का टाइप बेस पावर हुआ तो क्या करते हैं। अब इसके यूनिट डिजिट भी मैं आपको फिर बोलूंगा, आपको मेंटली निकालना सिखाना है। अब पहले एक चीज समझिए कि सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होता कि 22 पावर 167, तो लॉजिक क्या कहता है पहले समझे। लॉजिक ये कहता है कि 22 × 22 × 22 को 167 टाइम लिखिए और मल्टीप्लाई करिए फिर यूनिट डिजिट निकालेंगे। बट एक बात आपको भी समझ में आती है कि ऐसा अगर हमने एग्जाम पे करा तो ऐसा हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो क्या किया जाए, यानी इसको कैसे हम सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करें, ये बात दिमाग में आना चाहिए। और एक और चीज समझ में आती है कि आपको यहाँ पर अल्टीमेटली 2 × 2 × 2 ही करना है, तो नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज को यूज करके इन क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पर ये पहला पूरा सेशन है और इस सेशन को बहुत अच्छे से समझिए। ये एक ऐसा सेशन है, मैं आपको बता दूं आप कोई भी एग्जाम दें एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये वाला पोर्शन हर जगह यूजफुल है, चाहे वो इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम हो चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम हो कोई भी एग्जाम। और जो सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद आप कभी पेन भी यूज नहीं करेंगे। तो एक चीज समझिए
कि जब आपको ये मल्टीप्लाई करना होता था तो अलग अलग नंबर थे, पर इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको लॉजिकली ये समझना, जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया 67 पावर 239, तो बाय लॉजिक अगर हम समझे तो 67 × 67 × 67 को ही मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहां पर मान लीजिए एक चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो आप मल्टीप्लाई किसको करते हैं, 77। यानी मैं इसको ऐसा भी ना लिख के ऐसा लिखूं तो ज्यादा बेटर है, यस और नो? यहीं पर हमारी ट्रिक्स है, यहीं पर हमारी ट्रिक्स छुपी हुई है कि अगर मैंने क्वेश्चन दिया 3 7 4 7 9 6 3 2 4 5 की पावर 6 3 4 5 6 7 8 9, फाइन यूनिट डिजिट, यहाँ पे कुछ भी मान लो 6 लिख लेते हैं, चलो 5 लिखा तो 5 ही लिखा रहने दे, तो इसका आंसर मैं एक सेकंड में बोल सकता हूँ कि क्या आएगा, 5, वो आप भी बोल सकते हैं। और क्या लॉजिक है कि इतने नंबर को इतनी पावर टाइम लिखे, बट अल्टीमेटली मल्टीप्लाई किसका करते हैं आप, यूनिट इंटू यूनिट, तो इसका मतलब आप अल्टीमेटली 5 × 5 × 5 × 5 करते हैं, राइट? या मान लीजिए क्वेश्चन है 4 7 3 2 6 4 पावर 3 7 9 4 3 2, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इस पूरे को करें या 4 × 4 × 4 को करें, हो जाएगा। यानी अगर बेस पावर वाला क्वेश्चन है तो उसकी टेक्निक क्या है वो हम समझते हैं, और बहुत ही सिंपलेस्ट टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें दो टाइप्स होंगे, दो चीजें समझिए, एक होगा बेस और एक होगी पावर। अभी हम मान लेते हैं कि बेस और पावर दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, मतलब नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर। अब इसमें टू टाइप्स बनते हैं, टू केसेस बनते हैं, मैं हमेशा लेता हूं कि केस वन ले लें हम कि 0 1 5 6, सपोज यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक नंबर हुआ 0 1 5 6, तो आपको बिल्कुल वही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा जो कि ये यूनिट डिजिट है। मतलब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 26 पावर 3 6 7 9 यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप एक सेकंड में बोलेंगे 6। या सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं 3 2 4 5 पावर 3 7 9 6 3, कुछ भी लिख दूं, पावर बस नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं कुछ भी पावर लिख दूं, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। या सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3 7 4 6 6 7 6, पावर जो भी पावर लिखना चाहूं इज नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी 6। एंड सेम थिंग 1 3 1 1 3 2 1 1, पावर जैसे ही पावर देखने की जरूरत ही नहीं, आप आंसर लिख सकते हैं 1। या मान लीजिए क्वेश्चन है 6 9 2 4 7 6 3 3 0, देन पावर लिखने के पहले आंसर बोल सकते हैं 0। अब मेरा हमेशा एक कंसेप्ट होता है कि हमें मैथ्स को कंसेप्ट बना के पढ़ना चाहिए, यानी फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। इसमें लॉजिक यह है कि आप 5 × 5 जब करते हैं तो आपको मिलता है 25, यानी यूनिट प्लेस पे 5 हुआ। अगर मैं फिर से 25 में 5 करवाऊं तो आप बोलते हैं 125, अगेन 5 हुआ। अगर मैं फिर से 5 करवाऊं तो आप बोलते हैं 625, अगेन 5 हुआ। अगर मैं आपको फिर से बोलूं 5 मल्ट कर दो तो 3125, यानी एक लॉजिक आपके सामने निकल के आया कि मैं 5 × 5 × 5 × 5 इनफाइनाइट टाइम भी क्यों ना कर लूं, यूनिट प्लेस 5 होगा, 10th 100, ये क्या होंगे नहीं पता, बट यूनिट 5 होगा। देखिए यूनिट 5 ही है, इसका मतलब 5 × 5 × 5 × 5 कितने भी बार करा जाए, इसलिए यूनिट प्लेस पर जब क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर 5 होता है यूनिट डिजिट तो हम सेम आंसर बोलते हैं। यही बात देखिए 6 पे भी अप्लाई होती है, 6 × 6 करेंगे 36, 36 × 6 करेंगे 216, 10 डिजिट कुछ भी हो पर यूनिट डिजिट 6 है, 6 करेंगे 1296, फिर 6 का मल्टीप्लाई किया फिर 6 आ गया। इसलिए क्वेश्चन के बेस के यूनिट डिजिट 0 1 5 6 में से कोई भी एक नंबर, एनी वन नंबर, आप सेम आंसर बोलने वाले हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यानी आप बहुत ही इजीली ये बता सकते थे। अच्छा, 1 × 1 × 1 इनफाइनाइट टाइम करें तो भी 1 मिलेगा, 0 × 0 × 0 करें तो 0। तो अब क्वेश्चन आपको भी पता है कि क्वेश्चन के बेस के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 9 तक
उसमें 4 डिजिट का हमारे पास इमीडिएटली आ गया। अच्छा, 409 का भी एक रूल होता है, सिंपल रूल होता है, पर मैं आपको, क्योंकि कई बार याद रखना मुश्किल होता है या कन्फ्यूजन ना हो तो हम उसको एक ही में काउंट कर लें। अदरवाइज केस नंबर 2 में मैं ये लेता हूँ, अब बचे क्या क्या डिजिट, 2, 3, 4, 7, 8, 9। याद रखिएगा इसमें 409 का इवन ऑड का भी कंसेप्ट होता है। मतलब मैं बता देता हूँ कि 4 की पावर अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर इवन है तो हमेशा आंसर होगा 6, और 4 में पावर ऑड है तो हमेशा आंसर होगा 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, इसलिए 4 की पावर ऑड हो तो 4। और 9 में भी ऐसे ही होता है, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होता है, और 9 की पावर अगर ऑड है तो आंसर सेम होता है 9। बट ये अलग से याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं, सबका मैं एक साथ भी करवा देता हूँ। तो अब क्या क्या केस नंबर 2 देखिए, मैंने लिया यूनिट डिजिट ऑफ बेसिस 2, 3, 4, 7, 8, 9। इसमें सिंपल सा एक रूल हम अप्लाई करते हैं, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। क्या किया मैंने, पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड फाइंड रिमाइंडर। पावर में 4 का डिवाइड किया और रिमाइंडर्स को निकाला, जो भी रिमाइंडर आए। अब जब 4 का डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो आंसर क्या होगा, सुन लीजिए, ये जो भी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट धीरे धीरे आपको जैसे एग्जाम्पल पे आऊंगा क्लियर जाएगा, यूनिट डिजिट टू दी पावर रिमाइंडर। ये हमारी सिंपल सी टेक्निक्स है। 4 और 9 पे इवन ऑड याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी याद रखें। क्या करना है, नंबर 1 कि क्वेश्चन के बेस का, फिर से सुनिए, क्वेश्चन के बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो जो यूनिट डिजिट है वही आंसर हुआ। फॉर एनी पावर बट पावर बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब केस नंबर 2 मैंने आपसे बोला कि यूनिट डिजिट ऑफ बेसिस 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, तो पावर डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, 4 किया। अब पावर डिवाइडेड बाय 4 किया, इसका मतलब आपको रिमाइंडर 0, 1, 3, 2, 3 मिलेंगे, तो जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर। अब एक प्रॉब्लम होती है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो रिमाइंड आंसर हमेशा 1 मिलता है। तो ये 0 केस में आपको एक प्रॉब्लम होने वाली है कि आपके कई बार आंसर गलत हो जाए। तो 0 को इक्विवेलेंट टू मैं 4 लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन आता है, 4 ही क्यों लेता हूँ, बिकॉज 4 इसलिए लेता हूँ डिवाइडेड बाय 4 है। अगर डिवाइडेड बाय 7 होता तो 0 रिमाइंडर इक्विवेलेंट टू 7 लेता, डिवाइडेड बाय 11 करता और फिर 0 रिमाइंडर आता तो 11 के इक्विवेलेंट लिखता। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि पावर में 4 का डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर्स में होते हैं इसलिए हम पावर में 4 का डिवाइड करते हैं, वो समझाऊंगा। पर पहले ये चीज समझिए कि क्या किया आपने कि केस 2 में जो भी यूनिट डिजिट है, वैसे ये 10 के 10 में भी यूज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर देते हो, इसलिए अदरवाइज पावर डिवाइडेड बाय 4 जनरली यूज कर लो। आपने पावर में, फिर से सुनिए, 4 का डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको मिला 0 इक्वलेंट टू 4, 1, 2, 3 जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर ले लीजिए। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है 32 की पावर 6, 7, 9, फाइंड यूनिट डिजिट। अच्छा याद रखिएगा, इसके आगे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के बेस का काम का है यूनिट डिजिट। मतलब ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, एक ही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं आगे काम आएगा, एक ही बात है, फॉर यूनिट डिजिट ओनली। तो अब यहां पर एक बात समझिए कि आपको पावर में 4 का डिवाइड करना। आप 4 का डिवाइड ऐसे मत करने लगना कि 4 1 जा 4। ये सब चीजें नंबर सिस्टम में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई है फाउंडेशन कोर्स में, और ये चीजों को अगर एक बार रिवाइज कर लिया तो आपकी हर चीज बनेगी। फिर भी क्योंकि आपने बताया इस तरह के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है इसलिए सेशन ले रहा हूं, तो 4 1 जा 4 ऐसे नहीं करना है, राइट? आपको पता है कि जब कभी भी किसी नंबर में 2 का डिवाइड करना हो तो लास्ट 2 डिजिट में करते हैं, वो सॉरी यूनिट डिजिट में करते हैं। 4 का डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट में करते हैं। यानी इसको 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे डिवाइड की जरूरत नहीं है, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट टू डिजिट। तो अब हम एक एक करके कंसेप्ट डेवलप करें कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, यानी यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होता बस एंड में क्या है वो देखिए, और पावर में कुछ भी लिखा होता बस एंड में क्या है वो देखिए,
यानी जो आंसर इस क्वेश्चन का है वही आंसर इस क्वेश्चन का, वही आंसर इस क्वेश्चन का। तो क्योंकि पावर के केवल लास्ट के टू डिजिट काम के हैं, फोर के डिवाइड के लिए हमें केवल, अब डिविजिबिलिटी रूल में हम बाद में जाएंगे क्योंकि अभी हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहते, तो फोर के लिए रूल होता है बस जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट टू डिजिट। टू के लिए यूनिट डिजिट, फोर के लिए लास्ट टू डिजिट, एट के लिए लास्ट थ्री डिजिट, 16 के लिए लास्ट फोर डिजिट, 32 के लिए लास्ट फाइव डिजिट, लाइक दिस। आपने 79 में 4 का डिवाइड किया, तो जब 79 में आपने 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3। बस जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर कर दीजिए, तो इस पूरे का आंसर 8 आएगा, इसका भी आंसर 8 आएगा और इसका भी आंसर 8 आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर समरी बनाएं कि अगर कभी भी बेस पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो बेस का यूनिट डिजिट अगर 0156 हो तो आप सेम आंसर बोल दें कोई भी पावर के लिए। 409 पे इवन ऑड देखते हैं, या नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9 में सभी में पावर में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 0 को 1 के 4 के इक्वल, 1, 2 एंड 3। अब क्यों करते हैं ऐसा वो भी बताता हूँ, पहले 4-5 क्वेश्चन समझें फिर उस पर आएंगे, तो अपने आप पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आप समझिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता 3, 3, 4, 5, 3 पावर 3, 7, 4, 8, 9, 9, 9, 6, 9। अब अगेन इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझें तो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था 3 पावर 69। क्वेश्चन में बेस का यूनिट डिजिट बार बार बोल रहा हूं और पावर के लास्ट के टू डिजिट मैटर करते हैं बस, और पावर में भी केवल 4 का डिवाइड करना है, मेंटली करें तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, वो इस जो रिमाइंडर मिले वो इस यूनिट डिजिट की पावर ले लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अब कहाँ दिक्कत आएगी मैं बताता हूँ, 3, 2, 2 पावर 3, 6, 3, 7, 6, 4, 8 मान लीजिए। अब आपने पावर में 4 का डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला 0, राइट? अब 0 पे आपको ध्यान रखना है, बस एक यही जगह जहां पर आपको ध्यान रखना है। तो 0 के केस को इक्वल टू 4 लें तो 2 पावर 4 कर दें तो 2 पावर 4, 16, तो इसका आंसर हुआ 6। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक और छोटी सी समरी बना लें हम कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो क्वेश्चन के बेस का यूनिट डिजिट पावर के लास्ट टू डिजिट ही आपके लिए काम के हैं। ये और ये क्वेश्चन एक जैसा है फॉर यूनिट डिजिट, एंड बाकी वैल्यू अलग अलग होगी उससे कोई मतलब नहीं। 10 डिजिट भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, 100 डिजिट भी, 1000 भी, उनके कंसेप्ट अलग अलग है। तो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो चीज समझनी चाहिए। अब मैंने पावर में 4 का डिवाइड क्यों किया, ये क्वेश्चनिंग आ सकती है, बिल्कुल आना चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो आप गलत जा रहे हो। तो अब आप समझो, जैसे मैं बोलूं 2 पावर 1 क्या होता है तो आप बोलेंगे 2, मैं बोलूं 2 का स्क्वायर क्या होता है आप बोलेंगे 4, मैं बोलूं 2 का क्यूब आप बोलेंगे 8, मैं बोलूं 2 की पावर 4 आप बोलेंगे 16, मैं बोलूं 2 पावर 5 आप बोलेंगे 32, 2 पावर 6 आप बोलेंगे 64, 2 पावर 7 आप बोलेंगे 128, 2 पावर 8 आप बोलेंगे 256, फिर 2 पावर 9 अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे 5.2। अब जरा नोटिस करिए कि 4 के बाद हमें यूनिट से मतलब है 2486, 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
3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 पावर 4 81, 1 के बाद फिर वही 3 पावर 5 243, देखिए रिपीट होने लगा। पर 4 में क्या होता है, देखिए 4 पावर 4, 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 4 पावर 4। तो अब देखिए 4 में क्या हुआ कि 2 के बाद ही रिपीट होने लगा, इसलिए इवन ऑड देखते हैं। पर क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ काय के लिए इतना कन्फ्यूजन रखो, इसलिए सब में सेम कर लो, यही चीज़ 9 में होती है। तो अब आपके पास इन क्वेश्चंस की एक बहुत ही प्रॉपर लॉजिकल टेक्निक्स है, कभी भी मिस्टेक ना हो। तो अब हम एक बार फिर से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर पावर बेस में आते हैं। जिस टॉपिक को पढ़ने में कई बार समझने में घंटों लगा लेते हैं, मैं आपसे बोलूँगा वो मिनटों में तैयार होता है, अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, 3 पावर 46। अब देखिए मैं ऐसा लिखूं या मैं ऐसा लिख दूं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये एक ही क्वेश्चन है फॉर यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 2, 3 का स्क्वायर होता 9, आपने मेंटली कर लिया, इस सेम थिंग। यानी अब आपके क्वेश्चन का एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि आपको बेस का यूनिट डिजिट और पावर के लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है, वो भी 0156 छोड़ दो, अगर 0156 में से कोई हुआ तो फिर कुछ देखना ही नहीं है, फिर तो पावर भी नहीं देखना है, बस पावर इंटीजर होना चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए आपने कितने इजीली, कितने क्विकली सॉल्व कर लिया। इसमें रिमाइंडर थ्योरम्स भी होती है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पोर्शन है, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम्स कि कैसे अगर मैं इसमें बोलूँ कि 23 पावर 67 डिवाइडेड बाय सपोज 13 फाइंड रिमाइंडर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल, बहुत सारा पोर्शन है। नंबर सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है या ऐसा टॉपिक है जिसका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, और बहुत अगर कंसेप्चुअली पढ़ा तो मैं श्योर हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आया 77 कुछ भी लिख दीजिए 6748, अब आपको देखिए काम का क्या था 7, काम का क्या था 48, यानी अब क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाए फर्क नहीं पड़ता यूनिट डिजिट के लिए। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर आपने कहा सर 0 मिला, 0 मतलब 4 मिला, ये आदत रखिए आप, तो 7 पावर 4 कैसे निकालना, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर करके, ए पावर एम, ए पावर एन, ए पावर एम प्लस एन। अब 7 स्क्वायर का 49, 7 स्क्वायर का 49, 99 या 81, तो इसका आंसर आया 1। अब ये 7 पावर 0 भी 1 होता है, पर मैं इस लॉजिक से कभी भी आपको बोलूंगा आंसर मत लिखिएगा, आप तो 0 आए तो 4 ही लिखिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। अब इसके कंबाइंड क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 23 पावर 679 इंटू 24 पावर 888 इंटू 26 पावर 364 इंटू 27 पावर 479। एक सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले सभी के यूनिट डिजिट सेपरेटली फाइंड आउट करें, सभी के यूनिट डिजिट सेपरेटली फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जैसे इसका निकालना है, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, 3 का क्यूब होता है 27, इसमें इवन ऑड है, इवन पे 6 होता है, पर आप चाहो तो पावर में 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, 4 पावर 4 यानी 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 16, 16 इंटू 6 6 होता है, तो ये देखिए 6 लिखा है, 6 का मैंने बताया था 6 ही आएगा, यहाँ 7 है, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, 7 क्यूब नहीं पता ऐसा लिख लीजिए, 49, 97 जा 63, ये आ गया 3, 66 जा 36, 3 जा 18, 87 जा 56 का आंसर इज 6, यानी फाइनल आंसर आ गया 6, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो आप यहाँ पर प्लस लिख लेते, यानी यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत ही क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बताया है, आप इस जनरल कंसेप्ट से करें, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा याद रखिए, मल्टीप्लाई की जगह अगर प्लस होता, मल्टीप्लाई के प्लेस से प्लस होता तो आप उनको प्लस कर दीजिए, यूनिट डिजिट निकाल के आपको सेम आंसर मिलेगा। यस, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं मान लो आपको क्वेश्चन दूं 23 पावर 6 मान लीजिए 24 की पावर 334 2 इंटू 66 की पावर 3369 इंटू 52 की पावर 4468। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ले लीजिए, एडिशन है तो एडिशन ले लीजिए, सबसे पहले इंडिविजुअल निकालिए। इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इतना सा है, 3 पावर 46, 4 पावर 42, 4 में आपको इवन ऑड 6 में तो 6 ही लिख सकते हो, ये एक तरीका है। अब आप समझिए, अब यहाँ पर अलग से नहीं करना है आपको, क्योंकि पेपर में जो लिखा वहीं के वहीं मेंटली करना है। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 3 का स्क्वायर 9 ऐसा करना है। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 2, 4 का स्क्वायर 16, 6, 6 में 6 ही मिलता है। पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 इक्वल टू 4, 2 पावर 4, 16 तो 6, अब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 9 या 54 का 4, और यही अगर प्लस होता तो आप इन नंबर्स को ऐड कर देते। यस, अब बात करते हैं सपोज इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं कभी आपको 12 पावर 13 पावर 14 पावर 15।
अब इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए इसकी मैं आपको एक टेक्निक्स बताता हूँ सिंपल सी, कि आप इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं कि आप इनकी पावर्स को सॉल्व करते चले। जैसे अगर मैं 12 की पावर 13 को सॉल्व करूं, फिर उसकी होल पावर 14 है, फिर उसकी, तो अगर मैं इनके यूनिट डिजिट निकालता चलूं तो पावर सॉल्व करता चलूंगा। तो मैंने 2 के लिए क्या रूल बताया था कि पावर डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा 13, तो पावर में डिवाइड किया किसका, 4 का, तो रिमाइंडर मिला 1, तो ये मिला 2। एक तरह से ऐसा सोचिए कि 12 पावर अगर 13 होता तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता, 2। तो एक तरह से 2 की पावर 14 हो गया। अब फिर से पावर में 2 का डिवाइड 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 2, राइट। यूनिट डिजिट के लिए कंसेप्ट है, रिमाइंडर मिला 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 4 की पावर 15। अब अगेन 4 की पावर 15 है, यानी फिर से पावर में 4 का डिवाइड किया। अब पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3, तो 4 का क्यूब यानी 64, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 4। यानी आपको करना यह है कि पावर 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 है, तो आपने इसको सॉल्व करके यूनिट डिजिट निकाला, जो यूनिट डिजिट निकाला वो इसकी पावर ली। सेम कंसेप्ट को फॉलो करिए, जैसे मान लीजिए कि 5 पावर 13, 5 मत लीजिए, कोई और ले लीजिए नंबर, मान लीजिए आपने नंबर लिया 17 पावर 26 पावर 48, मान लीजिए। आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 17 की पावर 26 ऐसा सोचिए, इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं, फिर उसकी पावर में निकालेंगे। तो आपने पावर में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 2, 26 में जब आप ऐसा सोचिए, 26 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, तो 7 का स्क्वायर 49, यानी 9 पावर एक तरह से 48। अब फिर 4 का डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0, तो यानी 9 पावर 4, 1 इज आर राइट आंसर, राइट। यानी वही टेक्निक्स को आप फिर से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम तरीके के क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 2 पावर 3 पावर 4 पावर 218, सिंपल, 2 का क्यूब 8, मतलब एक तरह से ये हो गया 8। अब 8 की पावर 4 करना है आपको, तो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट यानी 8, 64 इंटू 64, राइट, 4 जा 16, 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या मिलता है, 6। यानी इस तरह से आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन क्विकली यूनिट डिजिट के सॉल्व होने लगेंगे। नोट कर लीजिए,